किसान भाइयों, जो हमारी सबसे पहली फसल है वो है हरी मटर की खेती। किसान भाइयों, सितंबर के महीने में जिन किसान भाइयों ने हरी मटर की बुआई की थी, लगातार होती बारिश ने उनकी फसल बर्बाद कर दी है। और जिनकी फसल किसान भाइयों बर्बाद नहीं हुई है, पानी निकाल भी दिया है, उसमें बहुत ज़्यादा रोग लग गए हैं। तो वहाँ से उत्पादन आने की जो किसान भाइयों उम्मीद है वो बहुत ही कम है। 10 से 15% ऐसी मटर बची हुई है जिसका कि अच्छा उत्पादन मिलने की उम्मीद है। तो इस समय किसान भाइयों आपके पास काफ़ी अच्छा मौका है कि आप 1 एकड़ हरी मटर की खेती कर सकती हैं। 1 एकड़ हरी मटर की खेती के लिए किसान भाइयों आपको 40 से 50 किलो बीज की जरूरत पड़ती है। और अगर मैं बात करूं कि 1 एकड़ में कितना उत्पादन मिलेगा, तो 1 एकड़ में किसान भाइयों आपको 60 से 65 क्विंटल तक का उत्पादन देखने को मिलेगा। और मैं बात करूं कि इस समय हरी मटर की कौन सी वैरायटी चुनाव करना चाहिए, तो किसान भाइयों हरी मटर के लिए आप एडवांटा की GS10 या फिर सिजेंटा की मूशिको वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कि हरी मटर कितने दिन में तैयार होगी, तो अलग अलग किस्मों के अनुसार जो किसान भाइयों हरी मटर है वो 70 से 90 दिन के अंदर उत्पादन देना शुरू कर देती है। अगर आपको हरी मटर मार्केट में बेचना है तो आपको ऐसी वैरायटी चुनाव करना चाहिए जो कि जल्दी उत्पादन दे। साथ में यह भी ध्यान रखें कि जब आपकी आखिरी तुड़ाई आने वाली हो, फलियां जो हैं वो उसमें रोग लगने शुरू हो जाएं, पतली हो जाएं, तब मटर को आपको छोड़ देना चाहिए। इससे क्या होता है कि मार्केट में उसका रेट नहीं मिलता है, और जो बाद की मटर होती है, सूखी होती है, थोड़ा पिचकी होती है, उसका मार्केट में रेट नहीं मिलता है, कलर भी अच्छा नहीं होता है, तो उसको हमें सूखा देना चाहिए ताकि 1 से 2 क्विंटल हमें वहाँ से सूखी मटर भी मिल सके। जो हमारी अगली फसल है वो है फूल गोभी और पत्ता गोभी। जी हाँ किसान भाइयों, इस समय आपके पास काफ़ी अच्छा मौका है कि आप फूल गोभी और पत्ता गोभी की नर्सरी अगर आपने डाल दी है तो आप रोपाई कर सकते हैं। और अगर आपने नर्सरी नहीं डाली है तो आप इस समय नर्सरी भी डाल सकते हैं। जिन किसान भाइयों ने अगेती फूल गोभी पत्ता गोभी की खेती की है, उनमें बहुत ही ज़्यादा रोग दौड़ चुका है। जहाँ बारिश नहीं हुई है वहां की फसल बच गई है, लेकिन ज्यादातर जगह पे बारिश हो गई है और फसल बर्बाद हो गई है। और अगर मैं बात करूं कि किसान भाइयों कि कितने दिन में फूल गोभी पत्ता गोभी तैयार होगी, तो रोपाई के फूल गोभी किसान भाइयों 65 से 70 दिन के अंदर और पत्ता गोभी 60 से 65 दिन के अंदर कटाई देना शुरू कर देती है। और कुछ ऐसी भी किस्में होती हैं जो कि 60 से 65 दिन के अंदर फूल गोभी कटाई भी देना शुरू कर देती हैं। और अगर मैं बात करूं कि इस समय आप नर्सरी डालने जा रहे हैं तो आपको कौन सी वैरायटी चुनाव करना चाहिए, आप फूल गोभी के लिए कई वैरायटी ले सकते हैं, लेकिन सिजेंटा की CFL 15/22 काफ़ी अच्छी वैरायटी रहेगी। पत्ता गोभी के लिए आप एडवांटा की Euro 2 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, यह भी इसके लिए काफ़ी अच्छी किस्म रहेगी। किसान भी इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि कौन सी फसल है जो कि आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा दे सकती है, तो वो है गाजर की खेती। जी हाँ, जिन किसान भाइयों ने गाजर की खेती की हुई है उनकी फसल निश्चित रूप से बर्बाद हो गई। अगर बारिश नहीं हुई है तब बच गई होगी, लेकिन हर जगह पे बारिश हुई है तो फसल बर्बाद ही है। इस समय के पास काफ़ी अच्छा मौका है कि आप अगेती गाजर की खेती कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि 1 एकड़ में गाजर कितना बीज लगेगा, तो 1 एकड़ गाजर की खेती करने के लिए किसान भाइयों आपको 250 से 300 ग्राम बीज की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका बीज हाइब्रिड है तो, अगर आपका बीज देसी है तब आपको 400 से 500 ग्राम बीज की ज़रूरत पड़ेगी। गाजर की खेती करने के लिए किसान भाइयों आपके पास सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप बेड बना करके इसकी बुआई करें। और अगर आपकी जो मिट्टी है रेतीली है बलुई है तो आप क्यारी में भी इसकी बुआई कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कि कितने दिन में गाजर की फसल तैयार होती है, तो अलग अलग किस्मों के अनुसार 70 से लेकर 90 दिन के अंदर हाइब्रिड किस्में तैयार हो जाती हैं। ऐसी भी किस्में होती हैं जो कि 120 दिन तक का समय लेती हैं, लेकिन अगर आप अगेती वैरायटी का चुनाव करते हैं तब आप अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। अगर मैं बात करूं किसान भाइयों कि आपको कौन सी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए, तो आप सिजेंटा की चैंपियन वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। यह किस्म 80 से 90 दिन में उत्पादन देना शुरू कर देती है, लेकिन अगर आपको और जल्दी चाहिए तो आप साइन कंपनी की अर्ली नेंटेस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। केवल 65 से 70 दिन में जो किस्म है तैयार हो जाती है। चैंपियन जो है सिजेंटा की, इसका उत्पादन ज़्यादा होता है, और जो शाइन की अर्ली नेंटेस होती है इसका उत्पादन थोड़ा कम होता है, लेकिन यह समय पर तैयार भी हो जाती है। और गाजर एक ऐसी फसल है, अगर ये अच्छे से आपके खेत में जम गई तो आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। और अगर 10 से 15 रुपये किलो भी बिक गया, फिर भी आप यहाँ से काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जो हमारी चौथी फसल है वो है भिंडी की खेती। किसान भाइयों जी हाँ, इस समय आपके पास काफ़ी अच्छा मौका है कि आप अक्टूबर के महीने में भिंडी की खेती कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे किसान भाइयों की जो भिंडी है या तो ख़त्म हो गई होती है, या फिर बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो कि अगली फसल लगाने के लिए भिंडी की कटाई कर देते हैं। नतीजा मंडी में आवक कम हो जाती है, तो आप उसका फ़ायदा उठा करके भिंडी की खेती कर सकते हैं। और इसका भी किसान भाइयों अक्टूबर से लेकर के जनवरी तक जो रेट होता है वो पूरे साल के अपेक्षा सबसे ज़्यादा होता है, तो इस समय आप भिंडी की खेती करके भी काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। भिंडी एक ऐसी फसल है जो कि बुआई के 50 से 55 दिन के अंदर उत्पादन देना शुरू कर देती है, और
इसमें किसान भैया सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा स्प्रे नहीं करने पड़ते हैं। अगर आपने खाद डाल दी है तो फनफूंद नाशक एक स्प्रे कर दिया, एक बार सूक्ष्म पोषक तत्व दे दिया और उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर किसान भैया फंगस के लिए फनफूंद नाशक का स्प्रे करते रहिए, बाकी आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर मैं बात करूँ कि इस समय अगर आप भिंडी की बुआई करने जा रहे हैं तो आपको कौन सी वैरायटी चुनाव करना चाहिए, आप किसान भाइयों एडवांटा कंपनी की राधिका ले सकते हैं या फिर आप नामधारी की NS 7774 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं या फिर कई सारे किस्में जिनका कि आप प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान ये दीजिए, अगर आप राधिका वैरायटी चुनाव करते हैं थोड़ा तुलाई में एक कठिन होती है, और अगर मैं बात करूं कि NS 7774 जो है जो कि नामधारी कंपनी की आती है तो ये किसान भाइयों तुराई में भी बेहतर होती है, तो आपको इसका चुनाव करना चाहिए। हमारी अगली फसल है वो है फ्रेंच बीन। फ्रेंच बीन से एक ऐसी फसल है जिसकी शहरी इलाकों में डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है और आज के समय में गांव में भी इसकी बिक्री काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इस समय आप फ्रेंच बीन्स की खेती कर सकते हैं। फ्रेंच बीन्स दो तरह की होती है, पहली होती है झाड़ी वाली जो ज़मीन पर फल देती है और दूसरी होती है जिसको पोल बीन्स कहा जाता है जो कि बाल के सहारे जिसको कि आप मचान बोल सकते हैं उस पर चढ़ाया जाता है, तो आप दोनों बीन्स की खेती कर सकते हैं। बीन्स एक ऐसी फसल है जो कि बुआई के 50 से 70 दिन के अंदर उत्पादन देना शुरू कर देती है और बहुत सारी ऐसी किस्में मार्केट में हैं जो कि 50 से 55 दिन में उत्पादन देना शुरू कर देती हैं। एक बार आपका उत्पादन शुरू हो गया तो आप 50 दिन तक लगातार उत्पादन ले सकते हैं। इसके अलावा किसान भी आप इसके सूखे बीज को बेच करके भी काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और इसके जो हरी फसल होती है जिसके पत्ते होते हैं उन सबको भी किसान भी आप पशुओं को खिला सकते हैं, तो ये बहुत ही उपयोगी फसल है। और फ्रेंच बीन्स से आपको अगर मैं बात करूं मार्केट के रेट की तो फ्रेंच बीन्स से आपको 30 से 40 रुपए का जो मिनिमम रेट है वो मिल ही जाएगा। और अगर मैं बात करूं कि फ्रेंच बीन्स के लिए किसान है वो कौन सी वैरायटी चुनाव करना चाहिए, तो अगर आप फ्रेंच बीन्स की खेती करने जा रहे हैं तो सिजेंटा की सेरेंगीति या फिर सेमिनीज की मोराल्डा वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। किसान भाइयों जो हमारी अगली फसल है वो है आलू की खेती। जी हाँ, बारिश लगातार होने से जिन किसान भाइयों ने आलू की फसल लगाई है उसमें से किसान भाइयों 95% जो आलू है वो खराब हो चुका है, तो आपके पास काफ़ी अच्छा मौका है कि आप आलू की खेती कर दीजिए। आलू एक ऐसी फसल है कि 60 से लेकर के 80 दिन के अंदर कटाई देना शुरू कर देता है। अगर आपकी आलू की फसल अच्छी हो गई मार्केट में रेट भी मिल गया तो आप 100 दिन के अंदर इतना पैसा कमा सकते हैं जितना कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक एकड़ में किसान भाइयों आपको 150 से 200 क्विंटल तक का गेती में उत्पादन मिल सकता है। और अब बात आती है कौन सी किस्म लगाएं जो कि जल्दी उत्पादन दे। किसान भाइयों देखिए, आलू की दो किस्म मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करना चाहूँगा। कुफरी अलंकार 70 दिन में उत्पादन देना शुरू कर देती है और दूसरी जो है वह किसान भैया पुखरी और दूसरी जो है वो है कुफरी पुखराज जो कि 100 दिन के अंदर उत्पादन देना शुरू कर देती है, तो आप इन दोनों वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं या फिर अपने समझ के हिसाब से अपने मिट्टी के हिसाब से आप कौन सी वैरायटी चुनाव करने वाले हैं मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अब हम बात करते हैं किसान भाइयों उन फसलों के बारे में जो कि अगेती अगर आप इस समय उसको लगाते हैं तो आपको सबसे पहले आपकी फसल तैयार होगी और मुनाफा भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। किसान भाइयों जो हमारे उसमें सबसे पहली फसल है वो है खीरा की खेती। जी हाँ, अगर आप अक्टूबर के महीने में या नवंबर के महीने में खीरा की बुआई करते हैं 55 से 60 दिन में उत्पादन शुरू हो जाएगा क्योंकि शादियों का सीजन होता है, उस समय खीरे की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है। पॉली हाउस में उग पाता है, आमतौर पर नहीं उगता है, लेकिन अगर आप अक्टूबर के महीने में बुआई करेंगे तो आप दिसंबर जनवरी तक इसकी तुड़ाई कर पाएंगे और उस समय आप किसान भाइयों सबसे अच्छा रेट ले पाएंगे। और अगर मैं बात करूँ कि इसके लिए किसान में कौन सी वैरायटी चुनाव करना चाहिए, तो आप किसान भाइयों खीरा के लिए आप माहिको की वैरायटी चुनाव कर सकते हैं या फिर आप साइन की F1 सलोनी वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। किसान भाइयों जो हमारी अगली फसल है वो है तरबूज। जी हाँ, कभी आप मार्केट में जाकर के देखें दिसंबर जनवरी के महीने में तरबूज की जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा होती है, पार्टीज में या फिर शादियों में इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है। तो अगर आप तरबूज की बुआई करते हैं किसान भैया बुआई के 60 से 70 दिन के अंदर उत्पादन शुरू हो जाएगा और अगर आप इस समय तरबूज की बुआई करेंगे तो निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। और अब बात आती है कि हम तरबूज की कौन सी वैरायटी का चुनाव करें। किसान भैया तरबूज के लिए आप साइन कंपनी की F1 वैरायटी चुनाव कर सकते हैं जिसको आइस बॉक्स भी कहा जाता है या फिर आप जिंटेस की 333 वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है खरबूजा। जी हाँ, अगर आप इस समय खरबूजा की बुआई करते हैं फिर भी आप काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। दिसंबर जनवरी में 1 किलो खरबूजा की जो कीमत है वो 50 से 60 रुपये किलो होती है, आपको देखभाल ज़्यादा करनी पड़ेगी लेकिन आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। खरबूजा के लिए कौन सी वैरायटी चुनाव करें, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। किसान भैया खरबूजा के लिए आप
सिजेंटा की आयुष वैरायटी चुनाव कर सकते हैं या फिर नूनहेम्स की महाराजा वैरायटी चुनाव कर सकते हैं। तरबूज हो चाहे खीरा हो चाहे खरबूजा, अगर आप ये तीन फसलें लगाते हैं तो आपको इस समय ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन जब मार्केट में जाएंगी तो मार्केट में डिमांड किसान भाइयों बहुत ज़्यादा होती है, आवक कम होती है, तो आप निश्चित रूप से अगर आप 10 रुपये लगाते हैं तो आप 100 रुपये 10 गुना किसान भाइयों आप मुनाफा निश्चित रूप से कमा पाएंगे। और अब हम उन सब्जियों के बारे में बात करते हैं जो कि फटाफट कम समय में काफ़ी अच्छा मुनाफा देती हैं। आपके पास काफ़ी अच्छा मौका है कि आप हरी धनिया की खेती करें। हरी धनिया एक ऐसी फसल है जो कि बुआई के 30 से 35 दिन के अंदर कटाई देना शुरू कर देती है, और एक बार बुआई करके आप इस समय 3 से 4 कटाई ले सकते हैं। एक एकड़ खेती के लिए किसान भाइयों आपको 8 से 10 किलो बीज की ज़रूरत पड़ती है। और अगर मैं बात करूं कि कौन सी वैरायटी का चुनाव करें इस समय कि आप काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएँ, तो आप नामधारी की किसान भाइयों सुरभि वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, या फिर किसान भाइयों आप इंडियम की मल्टी कट धनिया का भी चुनाव कर सकते हैं। और इसके साथ किसान भाइयों आप बहुत सारी मार्केट में किस्में होती हैं जिनका कि चुनाव कर सकते हैं। ध्यान दिए दीजिए कि आप उसी किस्म का चुनाव करें जिसको कि या तो आपने लगाया हो या तो आपके यहाँ किसी अन्य किसान भाई ने लगाया हो। ये जो मैं आपको किस्में बताता हूँ ये उदाहरण के लिए होती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ किस्में अच्छा उत्पादन देती हैं, इसलिए हम इसको आपको रिकमेंड करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यह किस्म आपके यहाँ भी अच्छा उत्पादन दे। जो हमारी अगली फसल है वो है मूली की खेती। किसान भी हो समय आपके पास काफ़ी अच्छा मौका है कि आप मूली की खेती कर दीजिए। मूली एक ऐसी फसल जो कि 40 से 45 दिन में तैयार हो जाती है। और अगर मैं बात करूँ कि कौन सी वैरायटी का चुनाव करें तो आप सिजेंटा की आइवरी व्हाइट वैरायटी चुनाव कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी किस्म होती है, और इसको किसान भैया सबसे खास बात ये है कि ये तैयार होने के बाद भी 10 से 15 दिन आप इसको मिट्टी में रोक सकते हैं। तो मूली किसान भैया 8 से 10 हज़ार रुपये की लागत में तैयार हो जाती है, और 5 से 6 रुपये किलो भी बिकेगी फिर भी आप किसान भैया प्रॉफिट में रहेंगे, और एक एकड़ में 40 से 50 हज़ार रुपये किसान भैया लागत काट के खर्चा काट के आप मुनाफा कमा पाएंगे, वो भी केवल 1.5 महीने के अंदर। जो हमारी अगली फसल है वह किसान भैया मेथी साग की खेती। जी हाँ, इस समय अगर आप हरी मेथी की खेती करते हैं तो एक बार बुआई करके किसान भैया 5 से 6 कटाई ले सकते हैं, और एक बार बुआई करके किसान भैया आप 20 से 25 दिन के अंदर पहली कटाई लेंगे, फिर 10 से 15 दिन के बाद दूसरी कटाई, और जब तक फूल ना आए आप ऐसे ही 4 से 5 कटाई उससे बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं किस विधि से बुआई करेंगे फंगस जलग्रहण समस्या ना आए, तो अगर आप ट्राइकोडर्मा से बीज को उपचारित करके बुआई करेंगे तो ये सारी समस्याएं नहीं आएंगी। और अगर मैं बात करूं कि मेथी के लिए कौन सी वैरायटी का चुनाव करें, तो आप साइन कंपनी की मेथी का चुनाव कर सकते हैं जिसका नाम होता है केसर, या फिर किसान भैया आप एक्सिस कंपनी के मेथी सीड का भी चुनाव कर सकते हैं। फसल है वो है सोया साग की खेती, सरसों साग की खेती। जी हाँ, अगर आप सोया और सरसों साग की बुआई करते हैं तो ये केवल बुआई के 25 दिन के अंदर कटाई देना शुरू कर देंगे, और एक बार बुआई करके आप 2 से 3 कटाई ले सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आप गांव में रहते हैं तो आप सरसों साग की खेती मत कीजिए, सोया की खेती कर सकते हैं, सोया की डिमांड हर जगह होती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सिटी के करीब हैं तो आप सरसों साग की भी खेती करके काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।